Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup 2 Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness Classes and DIY Activities. गुड मॉर्निंग क्लास क्लास इस क्लास में मैं आपका जो एटॉमिक रेडियस टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करूंगी। इधर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कोवेलेंट रेडियस। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, जब आप कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड में आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की जब आप शेयरिंग करते हैं तो शेयरिंग करने के बाद जो आपके एक स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। जब शेयर्ड हो जाते हैं, जब टू एलिमेंट्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं तो इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, जो ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, इसके इन दोनों के सेंटर से जो भी डिस्टेंस होगा उसका हाफ, ठीक है, इनके सेंटर से जो डिस्टेंस का हाफ क्या होगा आपका कोवेलेंट रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम व्हेन दे आर बॉन्डेड टुगेदर बाय अ सिंगल बॉन्ड इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, किसके अंदर, सिंगल बॉन्डेड इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका जो हाफ होगा इन दोनों के बीच के जो सेंटर्स का जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस। नेक्स्ट आप देखिए मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस क्या होता है स्टूडेंट, मेटालिक रेडियस क्या होता है, जो आप मेटल्स होते हैं, मेटल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत करीब करीब होते हैं, ठीक है, एक लैटिस फॉर्म करते हैं। लैटिस आप आगे भी पढ़ेंगे। लैटिस क्या होता है, एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है जिसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब जो मेटेलिक होता है वो मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत क्लोज क्लोज बहुत पास पास होते हैं। तो आप देखते हैं तो टू मेटल्स के पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ क्या कहलाता है, मेटेलिक रेडियस। इट इज डिफाइंड एज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल आयंस इन द मेटेलिक लैटिस, ठीक है। ये क्या होता है, मेटेलिक रेडियस होता है। मैं आपको पिक्चर में भी दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मेटालिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगी वन डर वॉल रेडियस से एंड आयनिक रेडियस से। थैंक यू क्लास। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ EduFun क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।